कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के आज हम देवताओं ने की हुई गर्भ स्तुति को सुनेंगे। कृष्णा अभी गर्भ में ही है, गर्भस्थ है, देवकी के गर्भ में, और ये सब मथुरा में हो रहा है या मथुरा मंडल में देवता पधारे हैं भगवान की अगवानी करने, भगवान का स्वागत करने। सुस्वागतम कृष्णा, वो भी कहने के लिए बड़े उत्कंठित है कि उसके पहले ही पहले भगवान की स्तुति करेंगे। और ये स्तुति वैसे कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं तो श्रोता ये कृष्ण ही है, वक्ता है देवता, 33 करोड़ देवता पहुंचे हैं और वे सभी एक स्वर में। यहाँ नहीं लिखा कि ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति किए, शिव जी ऐसी स्थिति किए, इंद्र ने ऐसी स्थिति की, चंद्रमामा ने ऐसी स्थिति की। सभी की स्थिति एक स्वर में, सभी एक विचार के हैं, उच्च विचार के हैं, तो वे सुना रहे हैं। वैसे कृष्ण तो श्रोता है ही और साथ ही साथ वसुदेव और देवकी भी श्रोता बन जाते हैं। देवता उनको भी संबोधित कर रहे हैं। यदुनाम भविता तवात्मजहा, स्थिति के अंत में तो उल्लेख हुआ ही है, बीच बीच में भी संबोधन होते रहेंगे। हे वसुदेव, हे देवकी, तवात्मज, आपका आत्मज, आपका पुत्र यदुनाम भविता, ये यदुवंशज होंगे, तो वह हम भाग्यवान हैं। आज प्रातःकाल भी प्रातः स्मरणीय जो भगवान है उनका स्मरण दिला रहे हैं। साक्षात 33 करोड़ देवता, इसी के साथ ये देवता भगवान का परिचय देंगे, भगवान कौन है, कैसे है, उनका नाम रूप गुण लीला धाम का भी परिचय वे देंगे, या कृष्ण का तत्व भी सुनाएंगे। यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है, तो ये भी गुरुजन है, क्योंकि वे तत्व वेता है, कृष्ण तत्व को जानते हैं। तो ये स्तुति या प्रार्थना वैसे उतनी विस्तृत नहीं है, किंतु वह हमारे पास जो समय उपलब्ध है उस दृष्टि से सोचा जाए तो है ही विस्तृत तो है, क्योंकि हमारे पास मरने के लिए समय नहीं होता। ये देवता जो भाषा बोलते हैं उसको देववाणी कहते हैं। तो पहली स्तुति है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यशयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। एक तो वह त्वाम शरणम प्रपन्नः, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आप शरणागत वत्सल हो, जो भी आपकी शरण लेते हैं उनके प्रति अपना वात्सल्य आप प्रकट करते हो, तो हमारे शरणागति को स्वीकार कीजिए, हमें आश्रय दीजिए,
त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इन शब्दों के साथ प्रार्थना या स्तुति शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी स्तुति में जो पहला स्तुति का वचन है, क्या कह रहे, सत्यव्रतम। भगवान आप कैसे हो, सत्यव्रत, आपने लिए हुए व्रत सत्य होते हैं। राम, राम को कहते सत्य वचनी, एक बानी, एक वचनी, एक पत्नी, एक वचनी। उन्हें वचन लिया, संकल्प लिया तो पूरा हो ही जाता है। ऐसे आप सत्य व्रत हो, सत्य परम। आप जो भी कहते हो वो सत्य होता है, परम सत्य होता है। श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में उल्लेख हुआ है, सत्यम परम धीमहि। चलो हम ध्यान करते हैं इसका, परम सत्य का। और परम सत्य आप हो, त्रिसत्यम। ऐसे यह सत्य 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 सत्य, भगवान सत्य है, ये बात कही जा रही है। त्रिसत्यम मतलब त्रिसत्यम, आप त्रिकाल अबाधित सत्य हो। काल तीन होते हैं और ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, आप सत्य ही रहते हो। भूतकाल में आप सत्य थे, सत्य मतलब वैसे होना भी, एग्जिस्टेंस, तो आप थे, आप हो और आप रहोगे। त्रिसत्यम, त्रिकाल अबाधित सत्य। सत्यश योनिम, और आप सत्य की योनि या स्रोत हो। भगवद गीता के वचन, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः। गीता के वचन आपके मुखारविंद से या आपसे ही प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, वो सारा वो सत्य है, सारे वचन सत्य है। आप सत्य की योनि हो। निहितम च सत्ये, और आप सत्य में स्थित हो, सत्य ही है आपका आधार, या आप सत्य के आधार हो। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य आप ही हो। ऋतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम, आप सत्यात्मक हो, आप सत्य से ही बने हो। आप सत चित आनंद हो, मतलब आप आनंदमय हो। सचित आनंद, आनंदमय आप हो। सचित आप चिन्मय हो, आनंदमय, फुल ऑफ, वह आनंद की मूर्ति हो कहो। और आप सत सत्यात्मक, सत्य से बने हो, सत्यात्मक। ऐसे त्वाम शरणम प्रपन्नः, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। आगे की स्थिति में ऐसे, या पहली स्थिति में तो भगवान सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम लोग सत्यमेव जयते, और जीत किसकी होती है, सत्य की ही जत जीत होती। सत्यम एव जयते ना अनृतम, ऐसा भी उसका एक दूसरा पार्ट है। झूठ की विजय कभी नहीं होती, अनृतम ना। तो कृष्ण का परिचय हुआ पहले स्थिति में, तब द्वितीय स्थिति में जैसे हमारा परिचय, हमारी पहचान, जिस शरीर को हम धारण किए हैं वे हम
तो नहीं है शरीर, किंतु इस शरीर के, हमारे शरीर के गुण धर्म लक्षण इस द्वितीय स्थिति में कह रहे हैं देवता। ये आदि वृक्ष, हमारे शरीर की तुलना देवता कर रहे हैं एक वृक्ष के साथ, उसको आदि वृक्ष कह रहे हैं। ये मूल वृक्ष संसार में ये देह है। इस देह के संबंध में 12 अलग अलग उल्लेख वे करते हैं, या अलग अलग 12 प्रकार के परिचय या जानकारी या ज्ञान कहो हमारे शरीर के संबंध में वे कहते हैं। इस शरीर का परिचय कहो, और ऐसा परिचय ये शास्त्र के या दुनिया में कोई नहीं वैसे जानता, इसके पीछे का इससे इसके साथ जुड़ा हुआ जो रहस्य है। एकायनो एकायनः, तो कहते हैं ये धरती ही, वृक्ष तो धरती पर उगता है ना, तो धरती ही है इसका आधार। ऐसे बना भी होता है पृथ्वी या तेज वायु आकाश जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिंड में भी है। तो केवल पृथ्वी से ही नहीं, पृथ्वी से आप जल से, अग्नि से, हवा से और आकाश से, ये पंच महाभूत जो है इसे बना हुआ ये शरीर जो पृथ्वी पर है, तो ये पृथ्वी आधार है। तो आगे श्लोक संख्या 30 आगे की स्तुति। त्वय्यम्बुजाक्ष अखिल सत्वधाम्नि समाधिना आवेश चेतसा एके। तो जब आपके चरण कमलों का कोई ध्यान करता है और आपके चरण कमलों के भावों से आसक्त होता है, मय्यासक्त मनो मनः पार्थ कृष्ण कहे, मच्चित्तः मच्चित्तः मदगत प्राणः। किसी का चित्त चोरा अग्रणी है, अग्रज है, चोरों में श्रेष्ठ चोर कृष्ण है। हा? तो यदि वे चोरी करते हैं हमारे चित्त की, समाधि ना ध्यान कर रहे हैं चरण कमलों का, तो आवेश से चेतना में जो भावना उत्पन्न होती है, तो वो होने से तत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ती गोवत्स पदं भवाभ्यं। उसी के साथ क्या होता है, उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए आपके चरण कमल एक नौका बन जाती है। तो हम तो वैसे भवसागर में थे, किंतु भगवान के चरणों का आश्रय जो लेता है, भगवान के चरणों का स्मरण जो करता है, भगवान के चरणों की सेवा जो करता है, तो उनके लिए आपके चरण कमल देवता कह रहे हैं कि नौका बन जाते हैं, और वो व्यक्ति बैठ जाता है इस नौका में। और ये कैसे होता है, महत्प्रतेन, महात्मा आपके पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हुए साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रै, गुरुजन क्या करते हैं, उनके उनके योजना से, उनकी मदद से साधक को उस नौका में सीट या स्थान मिल जाता है। जब उसी के साथ
गोवत्स पदम। ये सारा संसार जो इतना अमर्याद, इसकी गहराई लंबाई कौन पता लगवा सकता है। तो ये भवसागर आकार धारण करता है गोवत्स पदम। बछड़े का बछड़ा जब चलता है और वर्षा के दिन है तो बछड़े के खुर से एक गड्ढा कहो या कुआ बन जाता है और तुरंत वो भर भी जाता है जल से, क्योंकि वर्षा के दिन में वर्षा है, जल है। तो ये सारा इतना विशाल जो भवसागर है उस भक्त के लिए, उस साधक के लिए, वैसे भी बोट में बैठा भी हुआ है तो वह भवसागर बन जाता है गोवत्स पदम। बछड़े के खूर में इतना जल है उतना ये भवसागर छोटा बन जाता है। और फिर आप पहुंच भी गए, आप बोट में बैठे हो, आपका बेड़ा पार हो गया, भव अवधि, भव अवधि, अवधि मतलब सागर, ये भव सागर बनता है गोवत्स पदम। ये अन्ने अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः। कुछ धार्मिक लोग हरी हरी बड़ा परिश्रम तपस्या इत्यादि करके कुछ आध्यात्मिक तरक्की तो कर लेते हैं और फिर संभव है तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन स्वर्ग में टिक नहीं सकते। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशन्ति, पुनः उसको इस मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। गए तो कुछ पुण्य कमाया, गए स्वर्ग किंतु वहां टिक नहीं सकते, पुनः आना होगा, बैक टू स्क्वायर वन। और जो अद्वैतवादी निराकार निर्गुण भगवान निर्गुण है इत्यादि, और हम भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह का साक्षात्कार की बातें करते हैं तो वह पतन्ति अधः। वे जन भी, वे ब्रह्म साक्षात्कार ही, उनका भी पतन होगा। पतन्ति अधः, अधः मतलब नीचे, वे भी गिरेंगे, स्वर्ग से गिरेंगे। ये ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था या स्थिति से गिरेंगे। पतन्ति अधः क्यों? देवता कह रहे हैं इन्होंने क्या नहीं किया, अनादृत युष्मद अंघ्रयः, उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। या आपका, आप जो सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर हो, उनका आश्रय नहीं लिया और थोड़ा ज्योति का ही आश्रय लिया, ब्रह्म ज्योति का। या वो ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानने लगे, ओ हो गया साक्षात्कार भगवत, साक्षात्कार हमने ब्रह्म ज्योति का दर्शन या ब्रह्मानंद की प्राप्त किया, तो ये अधूरा है साक्षात्कार। और स्वर्ग गए तो क्या हुआ, तो वहां भी गए तो भगवान के चरणों का अनादर किया तुमने, तो ये सभी पार्टीज ये भुक्ति कामी जो स्वर्ग जाते हैं, भुक्ति कामी वाले और मुक्ति कामी वाले, और फिर भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी वाले, सिद्ध पुरुष, सिद्ध सिद्धि, अष्ट सिद्धियां है,
उसको प्राप्त किए हुए सब पतंती, उनका पतन होगा, वो गिरेंगे, शुद्ध होंगे, क्योंकि उन्होंने अच्युत भगवान के का आश्रय नहीं लिया, भगवान के चरण कमलों का, उनके सेवा का आश्रय नहीं लिया, ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं देवता। श्रण्वन् गृणन् स्मरन् यश्च चिन्तयन् नामानि रूपानि मंगलानि ते। इस पर जोर दे रहे, जो हम हरे कृष्ण भक्त करते रहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसके प्रहलाद महाराज ने भी कहा कि ये सीखा हूं मैं। और क्या सीखे हो बेटा, क्या सीख के आए हो गुरुकुल में? शंड अमर तुम्हारे जो गुरुजन रहे, उन्होंने क्या सिखाया? जो भी सिखाया वो प्रहलाद महाराज तो नहीं सीखे थे, वैसे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था, नारद मुनि से सीखा था, जो श्रवणम कीर्तनम, तो वही बात देवता कह रहे हैं। श्रण्वन् गृणन् स्मरन् चिंतयन् किसका? नामानि रूपानि, भगवान का नाम रूप का स्मरण श्रवण, जो मंगल में मंगलानि होता है, तो इस प्रकार क्रियासु ऐसे भक्ति में जो तल्लीन है, फिर उनके लिए चरणारविन्दयोर आविष्ट चेतः, ऐसे साधक जो श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, तो उनकी चेतना अभिष्ट होगी भगवान से, कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे, तो भी न भावाय कल्पते, उनके लिए फिर ये भव 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 या संसार समाप्त हुआ, संसार से कुछ लेना देना नहीं है उनको, भगवान अपने धाम लेके जाएंगे। दिष्ट्या हरे रश्यः भवतः, तो आगे स्थिति है, जो आपके चरण कमल का स्मरण वंदन पाद सेवनम जो करते हैं, भारः अपनीतः, तो उनका भार हल्का होता है, क्या जो भारवाही जो बने, भारवाही वजन, भारवाही वाहन करते रहते हैं, इतना सारा बोझ तथा कभी जिम्मेदारियां लेके बैठे हैं, तो जो भी भवतः पदः आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो वे भारवाही थे, वे बन जाएंगे भावग्राही, भाव को ग्रहण करेंगे, तो इस भार से मुक्त होंगे। तो आप ही इसे सभी के नियंता हो। दिष्ट्या अंकिताम त्वत्पदकै सुशोभनै दक्षा महा। अब भगवान अभी गर्भ में ही है, प्रकट भी नहीं हुए, किंतु देवता उस समय की राह देख रहे हैं, आप प्रकट होंगे और आपके चरण कमलों की छाप या ये पृथ्वी चिन्हांकित होगी, आपके चरण कमलों से चिन्हांकित होगी, और कभी आप गाम पृथ्वी द्याम स्वर्ग, वहाँ भी कभी आप विजिट करोगे, वहाँ वो स्थान भी आपके चरण कमलों से चिन्हांकित होगा, तो हम उनका दर्शन कर पाएंगे, हम स्पर्श भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार तव अनुकंपिताम, आपकी ऐसी अनुकंपा हम पर होने वाली है, तो उसकी भी प्रतीक्षा है ही हमें, हाँ कृपया जल्दी पधारिए, प्रकट होइए और आपके चरण कमलों से इस पृथ्वी को समालंकृत बनाइए, और फिर हम दर्शन कर पाएंगे चरण कमलों का, चरण कमलों
से चिन्हांकित चिन्हों का दर्शन कर पाएंगे। आप मत्स्य अश्व कच्छप नरसिंह वराह हंस इत्यादि इत्यादि रूपों में कृतावतार या राजन्य कभी आप राजा बनते हो, जय श्री राम राजा राम बनते हो, कभी आप विप्र आप वामन वो ब्राह्मण बने थे वटु वामन, या कभी आप विभुदेशु देवताओं के मध्य में या उसे नारद मुनि है देवर्षि कहलाते हैं, या ब्रह्मा और शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी गुण अवतार है। तो ऐसे अवतारों में आप अवतार लेते हो त्वं पासी, और ये सब अवतार लेने का उद्देश्य क्या होता है, आप रक्षा करते हो, पा मतलब रक्षा पालन करते हो, रक्षा करते हो इसकी न हमारी भी, और त्रिभुवनम सारे त्रिभुवन की भी के भी पालक संचालक रक्षक आप ही हो। और यथा अधुना ईश, और अब जैसे हम स्तुति कर ही रहे हैं तो आप अब प्रकट होने वाले ही हो, अधुना राइट नाउ राइट हियर अभी, और प्रकट होके आप क्या करोगे, भारम भुवः हर, हे प्रभु इस पृथ्वी का भार थोड़ा हल्का कीजिए। आपको याद होगा पृथ्वी की ओर से ही हमने आपको प्रार्थना की थी, पृथ्वी माता गो माता का रूप धारण करके ऐसे हमारे पास पहुंची, देवताओं के पास पहुंची और कही कि कितनी सारी उलझने हैं, ये देवताओं आपके पास कोई सुलझन है, तो देवताओं ने तो कहा कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, चलो हम भगवान के पास जाते हैं। तो हम आए थे श्वेत द्वीप के तट पर और हमने आपसे निवेदन किया था सहायता कीजिए, तो हमने पुकारा और आप चले आए हो, तो अब क्या करना है आपको, आप तो जानते ही हो किस लिए आपको आने के लिए कहा था, तो भारम भुवः हर इस पृथ्वी का भार पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। और ये यदुत्तम संबोधन भी कर रहे हैं, ये यदु वंशज के उत्तम पुरुष यदुत्तम वंदनम ते, हम सभी 33 करोड़ देवता आप को वंदना करते हैं, को प्रार्थना करते हैं, हमारी स्तुति को स्वीकार कीजिए। और फिर अंत तो गत्वा स्तुति को विराम देते देते उन्होंने आगे कहा है, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः उमानं शेन साक्षात् भगवान् भवानः। अभी वसुदेव देवकी को भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, भाग्य की बात है हे अम्ब अम्ब मतलब अम्बा देवकी, ते कुक्षिगतः तुम्हारे कुक्षी या गर्भ में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, मा भूत भयम् अब डरने की कोई बात नहीं है, या मा शुचः जैसे कृष्ण गीता में कहे डू नॉट फियर, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ में है और अब प्रकट होने ही वाले हैं,
तो भय किस बात का? और उसी के साथ वे कह रहे, भोज पतेर मुमुर्षोर गोप्ता, मानव कंस उसने मरने की ठान ली हुई है, वो मरने का उसने संकल्प किया हुआ, मैं मरना चाहता हूं, नहीं तो कृष्ण को मारने का विचार उसके दिमाग में आता ही नहीं, वो स्वयं मरना चाहता है। मुमूर्षु, मरने की इच्छुक है वह, इसीलिए ये सारे प्रयास चलते रहे, उनको कारागार में रखा और आठवां पुत्र जो उसने सुनी थी आकाशवाणी, उसकी प्रतीक्षा में था, वो जन्म होते ही इस बालक की हत्या करूंगा, वध करूंगा, लेकिन भगवान सत्य संकल्प है, तो भगवान का संकल्प पूरा होगा, सत्य होगा, कि सत्य व्रतम इत्यादि, और वे प्रकट भी हो रहे हैं, परित्राणाय साधुनाम, ये वसुदेव देव की आपके रक्षा के लिए, परित्राणाय और असु परित्राणाय विनाशाय दुष्कृताम, तो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो रक्षा होगी आपकी, और वध होने वाला है इस कंस का, भगवान गोपता है, रक्षक है। यदुनाम भविताम तबात्मजः, तो आपका पुत्र ये यदुवंशज अब भविता कुछ क्षणों में प्रकट होने जा रहा है, तो कहते हुए देवताओं ने अपने स्तुति को विराम दिया है। तो हम भी या देवताओं की ओर से बोल रहे थे, देवताओं की स्तुति कुछ हल्के से सुना रहे थे, तो उन्होंने अपने वाणी को विराम दिया, तो फिर फेयर आउट ऑफ बिजनेस, हम भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, है तो वह तब तक के लिए ये भी सुना है, उसका चिंतन करो, स्मरण करो, लॉट ऑफ टॉपिक्स, ये वैसे आपको एक दिन ही क्या पूरे जीवन भर व्यस्त रख सकते हैं, ये विचार, ये चिंतन का विषय है, ये सब हाई थिंकिंग है। कथा ही कथा है। ओके, हरे कृष्णा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, प्रेमानंदे।